तुम हो कौन? मैं वो हूं जो रहने के कंडीशन को अपने घर वालों को बताने से डरता है। मैं वो हूं जो पीने के खानों में छोटी छोटी पूंद की पीसेस के लिए झगड़ता है। मैं वो हूं जो काम पे जाता है तो हर शाम अपने रूममेट को कॉल करता है। दरअसल मैं जानना चाहता हूं कि वो बदसूरत दिखने वाली सब्जी अभी तक बची है कि नहीं। और मैं वो भी हूं जो आप जैसे ओनर के डर के कारण अपने 2 BHK शेयरिंग फ्लैट में अपने फ्रेंड को बुलाने से डरता है। झगड़ा चाहे किसी का भी हो, ब्लेम हमेशा हम पर ही आता है। न्यू ऑफिस ज्वाइनर्स की भीड़ को तो देखी होगी आपने, उसी में से किसी एक शक्ल को उठा लीजिए, वो मैं हूं। आई एम जस्ट अ स्टुपिड कॉमन बैचलर वांटिंग अ डिसेंट फ्लैट। आज अचानक ये स्टुपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? ओनर साहब, स्टुपिड कॉमन बैचलर बोला है, मैन नहीं। और जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर क्या घुट घुट कर सोनी मैक्स पे तमिल डब हिंदी मूवीज देखनी चाहिए हमें? और अचानक नहीं है ओनर साहब, बहुत बर्दाश्त कर लिए पर देर आए दुरुस्त आए। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो? देश की पॉलिटिक्स नहीं है हम, मेरे मजहब का इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना है? मैंने कहा ना, आई एम जस्ट अ स्टुपिड कॉमन बैचलर वांटिंग अ डिसेंट फ्लैट। डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का शायद। स्पेसिफिक हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता ओनर साहब, बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बैचलर्स के अंदर गुस्सा बहुत भरा है, उसे आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स नॉट बाय चॉइस। तुम्हारी ये होममेड ऐड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं। हां जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। ये एक्सेप्टेबल नहीं कि कोई बहन, पार्डन माय लैंग्वेज, पर कोई बहन मुंह में सुट्टा लिए ये डिसाइड कर सके कि मुझे कहां रहना है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे रीजंस और मेरे डिमांड्स आपके जनरेशन के खिलाफ है। बी डेफिनेट, हां या ना? हां। आप मेरे जैसे 200 को रिजेक्ट करें तो ठीक है, और मैं आप जैसे 2 को कन्विंस करूं तो अजीब है। हां, आपकी गलती नहीं है, हम जैसे बैचलर से यही उम्मीद की जाती है। वी आर जस्ट अ पैरासाइट्स इन योर सोसाइटी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और आप जैसे ओनर, अगर हम जैसे टैलेंट को या बैचलर को फ्लैट देना शुरू नहीं किए तो ये थ्रेट कॉल्स, मैसेजेस, फेसबुक पिंग, ट्विटर सब आते रहेंगे। तो जाइए और कुछ स्टेप्स लीजिए। जय हिंद।